हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल एडली मिनी सेंस पर। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कैप्सूल्स की कहानी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि मैं क्रैश कोर्स लाई हूँ जिसमें मैं आने वाले 10-15 दिनों में जीपैड के ज्यादातर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करूंगी। आज की वीडियो में हम कैप्सूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो नेम रिएक्शन वाली वीडियो थी पिछली, उसका पार्ट टू मैं जल्द ही ला रही हूँ, पर क्योंकि पहले ये रेडी था तो मैंने सोचा इस पर वीडियो पहले बना के अपलोड कर देती हूँ, तो कम से कम गैप नहीं होगा, आप टॉपिक्स पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करें आज का वीडियो। कैप्सूल्स, कैप्सूल्स क्या होते हैं? कैप्सूल्स तो आपने बचपन से खाए हुए हैं तो मालूम है ही आपको। पहले थोड़ी सी मैं स्टोरी इसकी बता देती हूँ आपको कि हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई है। तो 1834 में सबसे पहले जो कैप्सूल बनाया गया वो एक सिंगल पीस जिलेटिन कैप्सूल था, जो कि मोथोज और डिब्लैंक ने मिलकर बनाया। फिर इसके बाद थोड़ा एडवांसमेंट हुआ तो 1865 में टू पीस कैप्सूल बना। वो किसने बनाया था? जेम्स मर्डॉक ने। ठीक, अब ये जो कैप्सूल बने हैं वो एक्चुअली थे क्या? कैप्सूल्स क्या है? कैप्सूल्स आर सॉलिड डोसेज फॉर्म इन विच ड्रग सब्सटेंस इज इनक्लोज्ड एंड हार्ड और सॉफ्ट शेल फॉर्म्ड फ्रॉम जिलेटिन। यानी कि कैप्सूल्स वो सॉलिड डोसेज फॉर्म है जो कि कैसे होते हैं, एक जिलेटिन शेल के अंदर उसमें ड्रग एनक्लोज रहती है, उनको अपन कैप्सूल बोलते हैं। कैप्सूल दो तरीके के हो सकते हैं, एक होते हैं सॉफ्ट जेल कैप्सूल, एक होते हैं हार्ड जेल कैप्सूल। जैसे कि आपने देखा होगा पुदीन हरा की गोली सबसे कॉमन है ना, सॉफ्ट जेल का एग्जांपल। पुदीन हरा का जो कैप्सूल आता है ग्रीन कलर का, वो सॉफ्ट जेल कैप्सूल का एग्जाम्पल है। ये ज्यादा फ्लेक्सीबल होते हैं, सिंगल पीस होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, है ना। इनके अंदर आमतौर पर लिक्विड्स भरे जाते हैं, आमतौर पर लिक्विड्स भरे जाते हैं, बाकी और भी चीजें हम फिल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो है वो हार्ड होते हैं, डबल पीस होते हैं और इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, ठीक है। और ये टू पीस होते हैं, इनमें एक एक बॉडी होती है और एक कैप होता है, ठीक है। जो अंदरूनी पोर्शन होता है जिस तरीके से पहले में फंसता है उसको अपन बॉडी कहते हैं, और ऊपर वाले कैप पोर्शन को अपन क्या कहते हैं, कैप कहते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहां पर ये इमेजेस में लगाया हुआ है, ठीक। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैप्सूल शेल की, कि हमने बोला कि कैप्सूल जो है वो बनता किससे है, उसके अंदर क्या होता है, कैप्सूल में ये शेल है उसके अंदर ड्रग एनक्लोज्ड है। तो ड्रग तो भैया डिपेंड करता है कि आप कौन सी ले रहे हो, पैरासिटामोल हो सकता है, ओमिप्राजोल हो सकता है, एमोक्सिसिलीन हो सकता है, डॉक्सीसाइक्लिन, जो भी आपका थेरापेटिक एजेंट है वो हो सकता है। लेकिन ये जो शेल है वो किस चीज का बना है, उसमें क्या क्या आपने डाल के रखा है और किस किस रेशियो में डाला है जो वो सॉफ्ट और हार्ड बन रहे हैं, तो ये हम जानते हैं कॉम्पोजिशन के अंदर, ठीक। तो सबसे पहले कैप्सूल शेल पढ़ेंगे। कैप्सूल शेल क्या होता है? कैप्सूल शेल क्या होता है, ये बना होता है जिलेटिन, प्लास्टिसाइजर, वाटर, डाई, ओपेसिफायर्स, फ्लेवर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स, इतनी चीजों से मिलकर कैप्सूल शेल बनता है। और कैप्सूल शेल का कॉम्पोजिशन फिर इस हिसाब से किन चीजों से मिलकर बना, फर्स्ट तो हो गया जिलेटिन जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है किसी भी कैप्सूल शेल को बनाने के लिए। फिर उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको थोड़ा एनहेंस करने के लिए, उनमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हम कुछ और एडिशनल चीजें डालते हैं, जैसे कि प्लास्टिसाइजर्स डालते हैं प्लास्टिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए, और कुछ एडिशनल कॉम्पोनेंट्स होते हैं जैसे कि फ्लेवर हो गए, कलर्स हो गए, ओपेसिफायर्स हो गए वगैरह वगैरह, सभी को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं अभी। फर्स्ट है जिलेटिन। तो जिलेटिन क्या होता है? जिलेटिन इज अ हेट्रोजीनस प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम इरिवर्सिबल हाइड्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ ट्रीटेड एनिमल कोलेजन एंड एज सच इट नेवर अकर्स नेचुरली, ठीक। मतलब कि जिलेटिन जो है वो एक हेट्रोजीनस प्रोडक्ट है, जो कहां से डिराइव हुआ है, वो डिराइव हुआ है इरिवर्सिबल हाइड्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ ट्रीटेड एनिमल कोलेजन। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि जिलेटिन जो है वो किससे मिलता है, तो आपको ऑप्शंस बता देते हैं सेल्यूलोज, कोलेजन, पेक्टिन और बहुत सारी चीजें। तो आपको पता होना चाहिए कोलेजन जो है, जो एनिमल स्किन से या एनिमल बोन से हमको मिलता है कोलेजन, उसको अगर आप उसका क्या करोगे, हाइड्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन करोगे तो जिलेटिन मिलेगा, ठीक है। और बाकी जिलेटिन नेचुरली नहीं पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है सोर्सेस क्या है इसके, तो जैसे कि मैंने बता ही दिया एनिमल बोन है या फ्रोजन पोर्क स्किन है, काफ स्किन है, ये एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आपको कोलेजन मिल रहा है और कोलेजन को आप जिलेटिन में कन्वर्ट कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ जिलेटिन, कितने टाइप का जिलेटिन होता है? दो टाइप का जिलेटिन हो सकता है।
फर्स्ट है टाइप ए जिलेटिन, सेकेंड है टाइप बी जिलेटिन। टाइप ए जिलेटिन के अंदर क्या है कहानी कि ये जो टाइप ए जिलेटिन होता है वो एसिड ट्रीटेड होता है और इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 9 होता है। यहां से ना ये क्वेश्चन जरूर आता है कि मतलब जी पैट के लिए कि टाइप, वो पूछ सकते हैं आपसे कि टाइप ए जिलेटिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, 9 होता है या 4.7 होता है, या टाइप बी का भी पूछ सकते हैं। टाइप बी क्या है, बेस ट्रीटेड है, बी से याद रख लीजिए बेस ट्रीटेड है, और इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, 4.7 होता है। अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक्चुअली होता क्या है ये भी तो पता होना चाहिए ना। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब वो पीएच जिसपे, वो पीएच जिस पर आपके दिए हुए कंपाउंड का या दिए हुए प्रोडक्ट का जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो जीरो हो जाए, है ना, उसको हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो दोनों तरीके के जिलेटिन्स के लिए ये अलग अलग है। अच्छा, एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे डालना चाहूंगी कि जो एनिमल बोन्स हैं, एनिमल बोन से बना हुआ जो जिलेटिन होता है वो काफी हार्ड होता है और थोड़ा ब्रिटल भी होता है, तो ये आमतौर पर हार्ड जेल कैप्सूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर कोई स्किन वाला जो कोलेजन होता है जो कि थोड़ी प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है और उसका जो यूज है फिर हम सॉफ्ट जेल कैप्सूल में कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज जो कि एक बार आ चुकी है एग्जाम में, जहां तक मुझे याद है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किस ईयर में आया था ये, ग्रीन बोन्स है ना, ग्रीन बोन्स करके, कि ग्रीन बोन्स से मिलने वाला जो जिलेटिन है वो किस काम में आता है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ग्रीन बोन्स मतलब क्या, एक्चुअली फ्रेश बोन्स, ठीक, फ्रेश बोन्स को ग्रीन बोन्स कहा जाता है, ठीक। इनसे भी जिलेटिन जो है बनता है और ये जिलेटिन अच्छी तरीके से यूज किया जा सकता है अलग अलग टाइप के कैप्सूल्स बनाने में, मेनली टाइप टू जिलेटिन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, टाइप टू जिलेटिन में ही आता है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक और चीज है जो मुझे बोलना बताना चाहिए यहां पर, एसिड बोन, एसिड बोन जिलेटिन, ठीक है, एसिड बोन जिलेटिन में आप क्या है, ये एसिड बोन नाम है, इसका क्या मतलब हुआ, ये टाइप ए में आ गया, ठीक है, और इसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है थोड़ा सा डिफरेंट है इन दोनों से, ये आपको याद रखना है, कम ये रहता है 5.5 to 6.0, ठीक, ये आपको याद रखना है, क्यों कि क्या पता उन्होंने इसका ना पूछ करके इसका पूछ लिया आपसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज है, ये तो हमने पढ़ा कि जो जिलेटिन शेल है वो किससे बन रहा है, जिलेटिन से बन रहा है, पर जिलेटिन खुद भी तो किससे बन रहा है, बोन से या स्किन से बन रहा है। अब वो बोन या स्किन से जिलेटिन कैसे बन जाता है वो समझते हैं, तो ये क्या है, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जिलेटिन, ठीक है, कि कैसे जिलेटिन जो है बन रहा है बाय यूजिंग बोन और स्किन ऑफ एनिमल्स, ठीक। तो देखिए ये एक क्या है, समराइज करके दिया हुआ है, एब्रीविएटेड चार्ट है ये, जिसमें कि किस तरीके से हम बना सकते हैं, बनता है कमर्शियली, उसका पूरा एक चार्ट दिया हुआ है। तो शॉर्ट में मैं आपको समझा देती हूँ ये क्या है। सबसे पहले हम बोन का समझते हैं, ड्राई बोन लेते हैं, ड्राई बोन को क्या करते हैं, 5% HCl के साथ में 10 से 15 दिन तक ट्रीट किया जाता है, एसिड ट्रीटेड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन फर्दर इसका ट्रीटमेंट किसके साथ किया जाएगा, लाइम के साथ, है ना, लाइम के साथ किया जाएगा, वो भी 10% लाइम के साथ में 4 to 8 weeks के लिए, और साथ में डाई कैल्शियम फॉस्फेट भी इस्तेमाल किया जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, लाइम इसमें ट्रीट करने के बाद में लाइम रह जाएगा तो उसको रिमूव किया जाएगा, इसका पीएच एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, अब ये सारी कहानियां ना यहाँ के मिल जाएंगी इसलिए हम यहीं पर रुक गए हैं। अब यहाँ काफ स्किन, काफ स्किन जो है वो क्या करेंगे, उसको वॉश किया जाएगा, फिर 10% लाइम से ट्रीट किया जाएगा, फिर उसको वाटर वॉश से, मतलब वाटर से वॉश कर दिया जाएगा 10 to 30 hours के लिए, ठीक। पोर्क स्किन का क्या करेंगे, पोर्क स्किन को वॉश करेंगे, एसिड के साथ ट्रीट करेंगे और 10 से 30 घंटे के लिए, फिर इसके बाद एसिड को रिमूव कर देंगे। अब ये तीनों चीजें जो है ना, मतलब इन तीनों का क्या हुआ, एक में पीएच एडजस्ट हो गया, एक में वाटर वॉश हो गया, एक में एसिड रिमूवल हो गया। अब इन इस स्टेज के बाद क्या करेंगे, इनको हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे, हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन लगाएंगे, उसके बाद फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर करने के बाद वैक्यूम कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, उसके बाद में फिर कूल करेंगे ताकि वो सॉलिडिफाई हो जाए, फिर उसको एयर ड्राई करेंगे और फिर उसको मिलिंग के लिए भेज देंगे, ठीक है, अलग अलग साइज में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस तरीके से जो है आपका कोलेजन से या ड्राई बोन या काफ स्किन या पोर्क स्किन से
जिलेटिन बन जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर इवेल्युएशन ऑफ जिलेटिन, मतलब हमने जिलेटिन क्या था ये पढ़ लिया, हमने जिलेटिन को एक्सट्रैक्ट भी कर लिया कोलेजन में से, लेकिन अब ये जिलेटिन सही जिलेटिन है नहीं है, इससे हम हार्ड जेल कैप्सूल बनाए या सॉफ्ट जेल कैप्सूल बनाए, ये सारी चीजें हम तब समझ पाएंगे जब हम इवेल्युएशन करके देखेंगे जिलेटिन का। जैसे कि हम कोई भी डोसेज फॉर्म बनाते हैं तो बाद में उसका इवेल्युएशन करते हैं ना, वैसे यहाँ पर हमको जिलेटिन का इवेल्युएशन करना है। तो इसके लिए क्या चीजें पढ़नी पड़ती है आपको, पहला ब्लूम स्ट्रेंथ, दूसरा विस्कोसिटी और तीसरा आयरन कॉन्टेंट। ब्लूम स्ट्रेंथ क्या होता है जो कि बहुत जरूरी है, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं ब्लूम स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि यही पूछ लेते हैं पहली फुर्सत में तो वो कि ब्लूम स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज, और फिर चार ऑप्शन दे देते हैं आपको। ठीक है, तो पहले बताते हैं हम कि ब्लूम स्ट्रेंथ है क्या। ब्लूम स्ट्रेंथ इज अ मेजर ऑफ कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्रॉस लिंकिंग दैट अकर्स बिटवीन जिलेटिन मॉलिक्यूल्स एंड इज प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। मतलब कि ब्लूम स्ट्रेंथ क्या है, ये एक कोहेसिव स्ट्रेंथ है किसके बीच में, जिलेटिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे जिलेटिन है, जिलेटिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्रॉस लिंकिंग करके जो कोहेजन बना होगा, मतलब कोहेसिव फोर्स होता है ना, सेम सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, उनको हम कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। तो जो कोहेसिव स्ट्रेंथ है उसको हम ब्लूम स्ट्रेंथ बोल रहे हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट के, यानी कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट उतना ज्यादा ब्लूम स्ट्रेंथ। इसको हम पता कैसे करते हैं, चलो हमें पता चल गया कि ब्लूम स्ट्रेंथ तो ये है, पर इसको कैसे मेजर किया जाएगा। तो इसको मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, इट इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द वेट इन ग्राम्स रिक्वायर्ड टू मूव अ प्लास्टिक प्लंगर ऑफ 0.5 इंचेस इन द डायमीटर 4 mm डीप इन टू 6% जिलेटिन सॉल्यूशन दैट हैज बीन हेल्ड एट 10 डिग्री सेल्सियस फॉर 17 आवर्स। मतलब क्या, मतलब ये कि सबसे पहले क्या किया जाता है इसमें, अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं ना तो इस तरीके से रहता है, ये एक वेसल होता है, इसके अंदर जिलेटिन का सॉल्यूशन भरा होता है। ये जो जिलेटिन का सॉल्यूशन भरा है ना, ये कितना रहेगा, 6 2/3% का सॉल्यूशन रहेगा, और इसको, इस सॉल्यूशन को बना के 17 घंटे तक 10 डिग्री सेल्सियस पर रख दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये थोड़ा सॉलिडिफाई टाइप का हो जाएगा, हो गया। अब इसमें क्या किया जाएगा, एक पूरा अपैरेटस रहेगा ब्लूम स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, तो उसमें प्लंगर टाइप का रहेगा जो कि यहां पे बिल्कुल इसके मेनिस्कस पे रखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही इसमें क्या करा जाएगा, वेट अप्लाई किया जाएगा, वेट अप्लाई किया जाएगा, और जितना टाइम, मतलब जितना ये वेट लेगा क्या करने के लिए, यहां से 4 mm अंदर जाने के लिए, उसी स्पेसिफिक वेट को इन ग्राम्स हम बोलेंगे ब्लूम स्ट्रेंथ। इसकी रेंजेस क्या होती हैं, 150 से 250 ग्राम होती हैं, और जितनी ज्यादा ब्लूम स्ट्रेंथ होती है समझ लीजिए उतना ही ज्यादा फिजिकली स्टेबल जिलेटिन होता है, और साथ ही साथ एक और चीज, जितनी ज्यादा ब्लूम स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा कॉस्ट। ठीक, और फिर नेक्स्ट क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स के लिए, क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक मेजरमेंट होता है ना कि ज्यादा ब्लूम स्ट्रेंथ है तो मतलब वो सॉफ्ट जेल कैप्सूल के लिए चाहिए, क्योंकि हार्ड जेल कैप्सूल्स तो ब्रिटल होते हैं लेकिन सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स ब्रिटल नहीं होते हैं। आपने शायद कभी पुदीना रा का जो कैप्सूल आया होगा उसको बचपन में फोड़ फोड़ के देखा होगा, बहुत देर लगती है उसको फूटने में, या विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं उनको टाइम लगता है फूटने में। नेक्स्ट क्या है, विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी क्या है देखते हैं, तो विस्कोसिटी के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि जो जिलेटिन हमने लिया है उसकी विस्कोसिटी क्या है, वो कितना गाढ़ा है, या फिर हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर चेन लेंथ उसकी क्या है, ये हम विस्कोसिटी के अंदर स्टडी करते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है, जिलेटिन का 6% सॉल्यूशन बनाया जाता है वाटर के साथ, और 60 डिग्री सेल्सियस पर उसको चेक किया जाता है। आमतौर पर जो विस्कोसिटी है वो 25 से 45 मिलीपॉइस होती है। एक और चीज यहाँ पे नोट करने लायक है कि कुछ ऐसे जिलेटिन सॉल्यूशन दिए जाते हैं जिनकी विस्कोसिटी तो लो होती है लेकिन उनका ब्लूम स्ट्रेंथ जो है हाई होता है। ये क्यों बनाई जाती है, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स के लिए। अगर मान लीजिए आपने जो पाउडर इस्तेमाल किया है कैप्सूल के अंदर फिल करने के लिए वो हाइग्रोस्कोपिक है, तो आपको इस तरीके से जिलेटिन शेल बनाना है कि उसकी विस्कोसिटी जो है कम हो और उसका जो ब्लूम स्ट्रेंथ है वो ज्यादा हो। तो इससे क्या होता है कि हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल जो है उसमें कम से कम नमी जाने के चांसेस होते हैं, मतलब नहीं जाती है नमी उसके अंदर,
इसलिए इस तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, इसलिए मैं आपको क्लियर करके बता रही हूँ। फिर नेक्स्ट है आयरन कंटेंट। आयरन कंटेंट मतलब क्या हुआ कि आयरन कितना प्रेजेंट है जिलेटिन के अंदर। जब जिलेटिन को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उस वक्त उसमें कुछ कॉन्सेंट्रेशन रह जाती है आयरन की। तो हम ऐसा नहीं कि हमको इसको बस रहने देना, हाँ ठीक है चलो है तो है, क्या करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका एक स्पेसिफिक लिमिट है जो क्या है, 15 ppm तक इतना ही रहना चाहिए, इससे ज्यादा आयरन नहीं होना चाहिए जिलेटिन के अंदर। नेक्स्ट है, ये तो थी किसकी बात, हमने जो जिलेटिन शेल है वो किससे बन के बना है, जिलेटिन से और फिर प्लास्टिसाइजर और फिर एडिशनल कंपाउंड्स। तो जिलेटिन हमने कंप्लीट कर लिया, अब हमारा नेक्स्ट है प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर क्या होता है, नाम से क्या समझ में आ रहा है, प्लास्टिसाइजर ऐसा कोई कंपाउंड जो कि प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करे जिलेटिन शेल को। प्लास्टिसिटी मतलब क्या कि थोड़े से प्लास्टिक बिहेवियर हो उनके अंदर, थोड़ा सा क्या करना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। तो ये कैसे आती है फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, ये कैसे आएगी, इसमें क्या लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ ड्राई प्लास्टिसाइजर्स टू ड्राई जिलेटिन डिटरमाइंस द हार्डनेस ऑफ कैप्सूल शेल। मतलब कैप्सूल शेल का जो हार्डनेस है वो कौन डिसाइड करेगा, रेशियो डिसाइड करेगा, किसका रेशियो, ड्राई प्लास्टिसाइजर और ड्राई जिलेटिन का। ड्राई प्लास्टिसाइजर में अपन इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, ग्लिसरीन इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉर्बिटॉल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है, सॉर्बिटॉल, जिसमें आंसर था कि एज प्लास्टिसाइजर क्या इस्तेमाल किया जाएगा कैप्सूल्स के अंदर, तो सॉर्बिटॉल इसका आंसर था। फिर नेक्स्ट है कि ये ज्यादा कॉमन है किसमें, सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स में, क्योंकि वहीं आपको ज्यादा प्लास्टिसिटी चाहिए ना, आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ चाहिए, प्लास्टिसाइजर्स की आपको सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स में चाहिए, ठीक है। और आमतौर पे जो शेल होता है उसके अंदर ड्राई जिलेटिन और वाटर का हम क्या रेशियो रखते हैं, वाटर और ड्राई जिलेटिन रेशियो रखा जाता है 0.7:1.5:1। ये वाला जो है ये इतना रेशियो रखा जाता है। ये रेशियो वगैरह ना आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ना इनसे अक्सर एमसीक्यूज बन जाते हैं जीपैट में। फिर नेक्स्ट है कि टिपिकल हार्डनेस रेशियो क्या होता है, ये क्वेश्चन आया है मुझे जहां तक याद है, 2021 का ही क्वेश्चन है ये। इसमें क्या पूछा गया था कि ये वाला पूछा था जहां तक मुझे याद है, कौन सा, सॉफ्ट जेल, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है अभी, मैं देख करके बताऊंगी आपको जब हम एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे तब बताऊंगी कि इनमें से कौन सा पूछा गया था। देखिए, अगर हार्ड जेल कैप्सूल आप बना रहे हो तो उसके लिए आपको ड्राई ग्लिसरीन, ये ग्लिसरीन लिखा है ना, ये जो पूरा मैंने मचा दिया है ना यहाँ पे, ये ग्लिसरीन है। तो ड्राई ग्लिसरीन और ड्राई जिलेटिन का रेशियो कितना होता है, 0.4:1 होता है, ठीक है। मीडियम के लिए 0.6:1 और सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स के लिए 0.8:1। मतलब हम देख सकते हैं प्लास्टिसाइजर ज्यादा किस में डल रहा है, सॉफ्ट जेल में डल रहा है ना, क्योंकि वहीं आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो ये हुआ प्लास्टिसाइजर। नेक्स्ट आते हैं एडिशनल कंपोनेंट्स, मतलब और आपको क्या क्या चीजें चाहिए और आपको क्या चाहिए किसी कैप्सूल शेल को बनाने के लिए। तो ये कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि प्रिजर्वेटिव्स, कलरेंट, ओपेसिफायर्स, फ्लेवर्स, च्यूएबल शेल के लिए आप कुछ मिठास डालेंगे, स्वीटनिंग एजेंट डालेंगे, और एल्डिहाइड टैनिंग ऑफ जिलेटिन जो अचीव करने के लिए क्या चाहिए होता है। तो प्रिजर्वेटिव्स, क्योंकि जिलेटिन है एनिमल प्रोडक्ट है, मे बी वो डिग्रेड हो सकता है, तो उसको डिग्रेडेशन से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिजर्वेटिव्स डालेंगे, ठीक है। प्रिजर्वेटिव्स के लिए क्या डाला जाएगा, मिथाइल पैराबीन एक अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज के लिए, तो मिथाइल पैराबीन हो गया, इसके अलावा प्रोपाइल पैराबीन, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे सब चीजें, तो आप भी ये नोट डाउन कर लीजिएगा, रट्टा तो मारनी है आपको, ठीक है। मिथाइल पैराबीन, ट्रिपाइल पैराबीन एक अच्छा एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट आते हैं कलरेंट। कलरेंट में वही कलरेंट आएंगे जो FDNC और DNC अप्रूव्ड डाइज होंगी, वही यहाँ पर इस्तेमाल होगी, है ना। तो अलग अलग चीजें इसमें, अलग अलग डाइज इस्तेमाल हो सकते हैं, लेक्स इस्तेमाल हो सकते हैं, पिगमेंट्स, वेजिटेबल कलर्स, जो भी रहेगा यूज के हिसाब से वो यहाँ पर यूज हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स नहीं है, जो सर्टिफाइड है वो ही इस्तेमाल होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है ओपेसिफायर्स। ओपेसिफायर्स क्या करते हैं, ओपेसिटी प्रोवाइड कराते हैं, मतलब एक ब्राइटनेस लाते हैं, मुझे कहना चाहिए, या कह सकते हैं हम ट्रांसपेरेंट बनाते हैं जिस तरीके से। तो वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आपको पता ही होगा टाइटेनियम डाइऑक्साइड ज्यादातर यूज होता है। ये इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना, 0.2 से 1.2% तक का
कॉन्सेंट्रेशन लिया जाता है। फिर नेक्स्ट है फ्लेवरिंग एजेंट्स। फ्लेवरिंग एजेंट्स में आमतौर पर इथाइल वेनिलीन इस्तेमाल किया जाता है, और भी कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ऐसे शेल जिसको आप चबा सकें, चबाकर खाया जाने वाला जो चुएबल शेल है, उसमें क्या डाला जाएगा? उसमें सिंपल सी बात है, सुक्रोज डाला जाएगा, है ना, ताकि वो चबाने में मीठा तो लगे हमें, कि उसको चबा के आसानी से खाया जाए। नेक्स्ट है एल्डिहाइड टैनिंग ऑफ जिलेटिन। मतलब क्या, जिलेटिन के अंदर एल्डिहाइड टैनिंग हो जाती है, तो उसको रिड्यूस करना होता है। उसको रिड्यूस करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? फिमेरिक एसिड। ठीक, ये इस तरीके के क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, इनके आंसर क्या क्या है। अब ये था कैप्सूल का पार्ट वन। पार्ट टू में अब मेरी हर एक वीडियो में पार्ट वन पार्ट टू होते हैं, हालांकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पार्ट वन पार्ट टू वाला सिस्टम, क्योंकि मैं कंटिन्यू करने में मुझे बहुत दिक्कत आती है, पर मैं कोशिश करूंगी कि इस बार भी मैं पार्ट वन पार्ट टू दोनों कंप्लीट लेके आऊं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ड्राई नहीं, एक्चुअली मुझे क्या कहना चाहिए, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि हार्ड जेल कैप्सूल कैसे बनते हैं, सॉफ्ट जेल कैप्सूल कैसे बनते हैं, और जब ये कैप्सूल बन जाते हैं तो इवेलुएट कैसे होते हैं। ये सारी चीज हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।